बात जब भी किसी बड़े स्टार की होती है तो लोगों के बीच तमाम ऐसी भी खबरें आती है जिसका इंतजार किसी को नहीं होता है। जब भी खबर होती है कैटरीना कैफ से जुड़ी तो सलमान खान का नाम जुड़ जाता है, लेकिन जब इन दोनों के बीच दुनिया देखने को मिलती है तो लोग शायद ही यकीन कर पाते होंगे कि सलमान और कैटरीना आज एक दूसरे से दूर हैं, किसी वजह से वो इस तरह भी दूर होंगे। खैर, सलमान से दूर कैटरीना कैफ हुई और इजाबेल आई उनके नजदीक। कैटरीना अपनी बड़ी बहन को सलमान से दूर कर इजा अपने आने वाले डेब्यू फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान का सहारा ले रही हैं, तो वहीं उनकी चालाकी का रिश्ता तो खुल गया राज जब डिनर पर स्पॉट किया गया अपनी बहन के साथ इजाबेल को, चूंकि अब बॉलीवुड डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ भी बॉन्डिंग शेयर करते नजर आई। जी हाँ, जहां सभी जानते हैं कि कैटरीना और अली के बीच काफी अच्छा रिश्ता है, कैटरीना और अली के बीच काफी गहरी दोस्ती और आज नहीं बल्कि सालों पुरानी है इनकी दोस्ती। इसके बावजूद अगर अली के साथ कैटरीना अपने रिलेशनशिप के बीच ईजा को लेकर आती है तो कहीं ना कहीं अब ईजा भी अली अब्बास जफर की दोस्त बन चुकी है। अब ये तो लगता है कहीं ना कहीं कैटरीना के जरिए ईजा बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।